हेलो हेलो, आप सभी को नमस्कार। और मैं से मैंने दिन आप लोगों के लिए पहले की तरह और हमेशा की तरह आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। लेकिन इस बार जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट कुछ अलग है, लेकिन है स्काईबर्ड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म से ही, और सेम कंपनी इसको प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रही है, वो है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। स्काईबर्ड कम्युनिटी इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सैयद मैनुद्दीन, एक अध्यक्ष एवं नेता और एक इसमें SWC में भारत के लिए काम कर रहा हूँ। और मुझे करीब करीब 2 ढाई से 3 साल हो गए, और मैं इससे पहले UST प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा था हमारे इंडिया के बिहाफ में। तो अभी मैं यूटर्न को प्रमोट कर रहा हूँ। तो आज का पर्पस ऑफ द इवेंट क्या है, आप लोगों को ये इतला देना है कि हमारे पास एक ऐसी अनोखी अनोखा और सुनहरा एक मौका है जिसको हम लोग आप लोगों के सामने लेकर फिर से हाजिर हैं। तो आज का प्रेजेंटेशन का एक ओवरव्यू क्या है, वो है यूटर्रा प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को बताना है, इसके फायदे क्या क्या हैं, और ये कितना ज्यादा फायदेमंद आपके साथ साथ और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कितना ज्यादा फायदेमंद है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये प्रोजेक्ट को हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने UST यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया, और उस प्रोजेक्ट का नाम है यूटेरा। यू माने में रशिया के लैंग्वेज में होता है, वो भूगोल को कहते हैं, जमीन को कहते हैं, इसीलिए यू उसको कहते हैं, सॉरी आई एम सॉरी, गलत बोली मैंने। यू आके यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जो जो कंपनी की जो ये है अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, एनाटोली यूनिट्स की जी, उनके नाम से यू लिया गया है। और टेर्रा मतलब रशिया में, टेर्रा मतलब उसको भूगोल या फिर जमीन को कहते हैं, इसीलिए उसको दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के यू टेर्रा इसको रखा गया है। क्यों, और साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट और ये प्रोडक्ट जो है वो खाद के रिलेटेड है, फर्टिलाइजर के रिलेटेड है। तो यू टेर्रा एक ऐसे उत्पाद पेश करता है जो भूमि की कमी की समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो 2021 के लिए फर्टिलाइजर मार्केट का आकार क्या हो सकता है, मतलब मार्केट साइज क्या हो सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये $200 बिलियन का मार्केट है। अफ्रीका में इसकी 7% मांग है, नॉर्थ अमेरिका में इसकी 15% मांग है, साउथ अमेरिका में इसकी 21% मांग है, और एशिया में 55% इसकी मांग ज्यादा है। फर्टिलाइजर की वैश्विक मांग खाड़ी क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि को प्रेरित करती है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपके सामने ये जो डेटा रखा, तो इसके हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा हाईली डिमांडेड है ये मार्केट। फर्टिलाइजर का बाजार क्या कहता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। पूर्वानुमानों के अनुसार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब प्लांट्स, पशु और खनिज आधारित की मात्रा में वृद्धि होगी इसको इस्तेमाल करने से। दुनिया ऐसे उत्पादों की ओर बढ़ रही है जो अधिक सुरक्षित, स्वास्थ्यवर्धक और सभी आवश्यक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरपूर है। यूटेरा बायो ह्यूमस क्या है, बायो ह्यूमस के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट है जो विशेष प्रकार के केंचुओं से सावधानी पूर्वक चयनित जैविक कचरे को प्रोसेस करके प्राप्त किया जाता है। ये बायो ह्यूमस जो है, ये जो मैंने अभी भी जो डिटेल आपको बताया, ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ साथ एक अच्छे प्रजाति के केंचुओं को इस्तेमाल करके ये बायो ह्यूमस बनाया जाता है। इसमें प्लांट्स की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक खनिज, एंजाइम, विटामिन, साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉरी माइक्रो लेमेंटेस की एक पूरी श्रृंखला शामिल है। इसको बनाने में, बायो ह्यूमस को बनाने में ये सारी ऐसी चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। यूटेरा बायो ह्यूमस एनवायरमेंटली फ्रेंडली फसल की गारंटी देता है, मतलब हाँ, अगर हम बायो ह्यूमस इस्तेमाल करते हैं तो उसके फायदे क्या क्या हैं, किस तरीके की गारंटी हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में डिटेल बताया जा रहा। और ये बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइमों की नेचुरल एक्टिविटी को उत्तेजित करता है, प्लांट्स की इम्यूनिटी को मजबूत करता है, और डिग्रेडेड भूमि की फर्टिलिटी को बहाल करता है। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन और किसी भी सॉइल पर पूरी तरह से हानि रहित है, मतलब हजार्डस नहीं है, बहुत ही एक हिसाब से बहुत ही लो हजार्डस आप इसको कह सकते हैं, और ये 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो अब यूटेरा सॉइल एलिक्सिर क्या काम करता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये एक बायोलॉजिकली एक्टिव प्लांट फूड है, मतलब खाद जिसे कहते हैं, एक तरीके का पेड़ पौधों के लिए एक तरीके का खाना है, जिसमें ह्यूमिक एसिड, फिल्विक एसिड, ह्यूमिक के ह्यूमिन के घुलनशील लवण, साथ ही एग्रोनॉमिकली
वैल्यूएबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पूरी श्रृंखला उनकी उच्च कॉन्सेंट्रेशन के साथ होती है। ये एक बनाने में ये सारी चीजें जितनी मैंने अभी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करी, एक इंजीनियरिंग के हिसाब से बहुत ही डीप टर्मिनोलॉजी है, लेकिन ये आप पूरा प्रेजेंटेशन एक से दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस के बारे में बात कर रहा हूँ, ये चीजें क्या क्या फायदा ला सकती है। तो यूटेरा एलिक्सिर कैसे बनाया जाता है, इसके प्रोसेसिंग और किस तरीके से होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। यूटेरा सॉइल एलिक्सिर के लिए बेनिफिशियल केयरफुली सेलेक्टेड एरोबिक और एनारोबिक तत्वों का उपयोग करके बनाया गया है, जिसके विकास के लिए ऑर्थरस न्यूट्रिशन फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे क्या क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। कच्चे माल क्या क्या है, ये ब्राउन कोल इस्तेमाल किया जाता है, मोलेसेस शहद और बायोह्यूमस, उसके बाद अतिरिक्त ऑर्गेनिक एलिमेंट से सारी चार पांच कच्चे पदार्थों को मिलाकर एक बॉटल सॉइल एलिक्सिर खाद को बनाया जाता है। यूटेरा एलिक्सिर प्राप्त करने के स्टेजेस क्या क्या है, अगर 1 लीटर हमें यूटेरा सॉइल एलिक्सिर बनाना है तो उसको किन किन स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। पीट मतलब कोयला की आपूर्ति और ह्यूमिक एसिड का एक्सट्रैक्शन और कॉम्पोजिशन का ऑप्टिमाइजेशन, एसिडिटी लेवल का करेक्शन, बैक्टीरियल इनोक्यूलेंट का इंट्रोडक्शन, और पांचवें स्तर पे जो होता है सॉइल एलिक्सिर में प्रोसेसिंग, फाइनल जाके 5 स्टेप्स क्रॉस होने के बाद 1 लीटर सॉइल एलिक्सिर बनता है। यूटेरा एलिक्सिर, ये यूटेरा एलिक्सिर किन किन चीजों में और किन किन जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और किसके फायदे क्या क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं। कृषि उत्पादों की उत्पादकता एवं क्वालिटी में वृद्धि होती है, प्लांट्स की वृद्धि और विकास को तेज करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर और बनाए रखता है, मिट्टी के पीएच को कंट्रोल और सामान्य करता है, प्लांट्स को बीमारियों और पेस्ट से बचाता है। तो देखिए ये सीधे इतने सारे फायदे हैं, एक तो नेचुरल तरीके से आपको फल फ्रूट वगैरह सब्जी वगैरह उगाने का मौका मिलता है, और धरती की जो ये होती है फर्टिलिटी उसको बनाए रखता है और उसको बहाल भी रखता है, साथ ही साथ प्लांट्स के ऊपर जो कीड़े मकोड़े जो सारी चीजें बैठती हैं उनको बैठने नहीं देता, कंट्रोल करता है एक हिसाब से। देखो यूटेरा उत्पादों के लाभ क्या क्या हैं, इसके प्रॉफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब एडवांटेजेस क्या क्या हैं उसके बारे में जान लेते हैं। कच्चे माल के रूप में केवल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करना, मतलब हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट चीजों को इसमें इस्तेमाल किया है, और उसके बाद ह्यूमिक एसिड के सभी लवणों और एग्रोनॉमिकली वैल्यूएबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक पूरी श्रृंखला की उपस्थिति है इसमें, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संतुलित सामग्री भी मौजूद है। उसके बाद उत्पाद नॉन हजार्डस लो हजार्डस पदार्थों की श्रेणी में आता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो फर्टिलाइजर है बहुत ही ज्यादा लो हजार्डस है, मतलब उतने ज्यादा जहरीले या फिर उतने ज्यादा खतरनाक नहीं है कंपैरेटिवली जो आज के मार्केट में जितने भी फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं। इन फर्टिलाइजर्स का कोई एनालॉग नहीं है, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए हमने क्या क्या और थोड़े से रॉ मटेरियल इस्तेमाल किए उसको भी बता देते हैं। केंचुओं की एक अलग प्रजाति को पाला गया था, और ऑर्थरस न्यूट्रिशन फॉर्मूला विकसित किया गया है, ग्रह के 5 महाद्वीपों के 105 इकोलॉजिकली क्लीनिक क्षेत्रों से बेलारूस को वितरित उपजाऊ किया था, और उसके बाद अच्छुती भूमि से एक सॉइल बैंक एकत्र किया गया है। ये थोड़ा सा मैं आपको एलाबोरेट करके बताता हूँ। प्लैनेट के 5 अलग अलग आइलैंड से 105 इकोलॉजिकली जो क्षेत्र थे, मतलब जहां पे किसी भी तरीके का उत्पाद नहीं हुआ था, ना ही वहां पे किसी तरह की खेती बाड़ी हुई है, ना ही वहां पे किसी तरीके का कारखाने वगैरह चला था, तो बिल्कुल ही इकोलॉजिकली क्लीन ऐसे 105 अलग अलग क्षेत्रों से बेलारूस को वहां की मिट्टी या फिर वहां की सॉइल लेकर आए थे, जहाँ की जो कि अच्छुती भूमि से एक सॉइल बैंक एकत्रित किया गया है। कहने का मतलब है जो इतने 105 अलग अलग जगहों से जो अच्छुती भूमि थी जहाँ पे किसी भी तरीके के उसने उत्पाद नहीं हुआ या फिर कारखाने या फिर खेती बाड़ी नहीं हुई है, वहां से वैसी वाली मिट्टी को बेलारूस में लाकर एकत्रित किया गया ताकि उसको अच्छे से स्टडी करके इस प्रोडक्ट को बनाया जा सके, और हम लोग बहुत ही सक्सेसफुल इस प्रोडक्ट को बनाया भी है। सर्टिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें सर्टिफिकेट मिला है इस प्रोडक्ट को लेकर। बायो ह्यूमस ए है, TUBY का, ये आपको यहाँ से ये लाइसेंस का नंबर है,
और यूटेरा सॉइल एलिक्सिर के लिए ये मिला है 2021 में, भाई हम उसको 2023 में मिला था, और यूटेरा और उसके बाद यूटेरा ओएसिस प्लांट्स के लिए लिक्विड ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, उसका जो लाइसेंस नंबर है ये है TUBY, ये 2023 में इसको लाइसेंस मिला था। और ये क्वालिटी रिपोर्ट इनके द्वारा प्रदान की गई थी कि इसकी क्वालिटी में किसी तरीके की कमी है या फिर इसमें बढ़ोतरी हो गई है या फिर इसको नॉर्मल करना है, बहुत सारी चीजें ये अलग अलग इंस्टीट्यूट से इसको रिसर्च करके रिपोर्ट वहां पे दी गई थी। ये RUE यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रोमिस्ट्री एग्रोकेमिस्ट्री, वहां से वहां पे रिसर्च करके इसकी रिपोर्ट दी गई थी। स्टेट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बेलारूस की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस का, सॉरी साइंस का, और इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, यहाँ से भी इसको इसकी रिपोर्ट मिली है, क्वालिटी रिपोर्ट मिली है। बेलरूसी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यहाँ से भी हमें ये रिसर्च रिपोर्ट मिली, क्वालिटी रिपोर्ट मिली। यूटेरा उत्पाद मांग में है, ये अभी जो है ऑलरेडी मार्क में इसकी डिमांड है, वो किस तरीके से डिमांड है मैं आपको बताता हूँ, क्यों और किस लिए इसकी डिमांड बढ़ी है, मतलब मांग बढ़ी है। खेत पर अपनी पर्सनल जरूरतों के लिए स्वास्थ्य और स्वादिष्ट सब्जियां, फल और जामुन उगा सकते हैं, ये फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करने की वजह से, जितने भी यहाँ पे मैंने अभी नाम बताए इन सारी चीजों में आप इस्तेमाल करके आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप बिक्री करने की लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और निजी खेती में, निजी खेती जहाँ के लॉन गार्डन वगैरह होते हैं वैसी जगहों पे, ये केमिकल एडिटिव्स और इम्प्योरिटी के बिना प्राकृतिक उत्पाद उगाए और बेचें, जैसे कि मैंने कहा पर्सनल के साथ साथ आप चाहो तो प्रोफेशनल तरीके से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फर्टिलाइजर। फूलों की खेती में घर, ग्रीन हाउस और कंजर्वेटरीज में सुंदर फूलों वाले प्लांट्स के सिलेक्शन में संलग्न रहे, मतलब कहने का मतलब है किसी की हॉबीज होती है फूलों को बढ़ाना या फिर गार्डनिंग करना, बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर आप बेचने के लिए तरीके से नहीं करना चाहते तो अपनी खुशी के लिए हो सकता है, एक हॉबीज होता है, उसी तरीके से आप इसको घर के सामने गार्डन में या फिर पॉट वगैरह में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केटिंग हमारी स्ट्रैटेजी क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। बाजार में ब्रांड और उत्पाद की ये पोजिशनिंग हमारी क्या है, नेचुरल फसल उगाए जा सकते हैं, उत्पाद बहुत ही सेफ रहती है, सुरक्षा रहती है उसकी, और अपनी जमीन से प्यार कर सकते हैं आप इसको इस्तेमाल करके, हमेशा हरी भरी और फर्टिलिटी रहती है आपकी जमीन, फर्टाइल रहती है। और एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, एनवायरमेंटल के लिए भी किसी भी तरीके की ये हानिकारक नहीं है, बहुत ही हानि रहित है। कई बार फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करने की वजह से लोगों को परेशानी होती है, केमिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, नाक की वजह से हार्ट, लंग्स या फिर किसी भी तरीके की ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके से बिल्कुल ही हजार्डस नहीं है, बहुत ही लो हजार्डस है, इसकी कमी आप बहुत ही कम बोल सकते हो या फिर चुने गिने में एक या ऊपर दो निकल सकते हैं। यूटेरा ब्रांड पर जोर, हमें ब्रांड पर क्या क्या हम जोर देते हैं, ये है अफोर्डेबल कीमत ताकि हर कोई इसे आराम से खरीद सके, यूनिक कॉम्पोजिशन, हमारे कॉम्पोजिशन बहुत ही अलग है नॉर्मल मार्केट में जो फर्टिलाइजर्स मिलते हैं उसके हिसाब से। उत्पाद इफेक्टिवनेस, मतलब इसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत ही खुशबूदार, टेस्टफुल, और बहुत ही जल्दी आप इसको उगा के मार्केट में बेच सकते हैं या फिर अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वालिटी अश्योरेंस हम दे रहे हैं और साथ ही साथ प्रभावी उपयोग और फसल उत्पादन के लिए सिफारिश है, जब आप एक बार इस्तेमाल कर लो अच्छे से सेटिस्फेक्शन हो जाती है, आपको एकदम संतृप्ति मिल जाती है तो आप दूसरों को भी बता सकते हैं ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, ये किसी भी तरीके की हानिकारक चीजों से मिलावट नहीं है या फिर बना हुआ नहीं है डब्बे। यूटेरा एलिक्सिर और नेचुरल बायोहोमर्स के उपयोग से हम क्या क्या फायदे उठा सकते हैं, उत्पादकता बढ़ाने और स्वस्थ ऑर्गेनिक फूड उगाने में मदद मिल सकती है, आपके उत्पाद काफी स्वादिष्ट हो जाएंगे, आपके प्लांट्स अधिक सुगंधित हो जाएंगे और सॉइल की फर्टिलिटी कई वर्षों तक बनी रहेगी, जैसे कि मैंने बताया इससे पहले बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबूदार, टेस्टफुल और बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जमीन की फर्टिलिटी बनी रहती है, या फिर आप घर के सामने लॉन गार्डन वगैरह भी बना रहे हैं पर्सनल निजी के लिए या फिर बिक्री के लिए, तब भी आप इन सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हीं सारे नेचुरल ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करके ये जो है ग्रीन हाउस के अंदर ही सब्जी वगैरह उगाई गई है, यहाँ पे प्लांट वगैरह आप देख सकते हैं,
और यहाँ पे देख सकते हैं मोहतरमा ने सब्जी दिखा रहे हैं, और एक और भाई साहब ने यहाँ पे टमाटो वगैरह दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बहुत ही ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से इन चीज़ों को उगाया जा सकता है करके। और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये असल जिंदगी में मौजूद है। ये हमारा जो है यूएई जो है शारजा, वहाँ पे अभी फिलहाल एक आप क्या कह सकते हैं तो मॉडल के तौर पे एक ग्रीन हाउस में बनाकर इसको वहाँ दिखाया गया। ट्विटर मिडल ईस्ट एग्रो इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई है ऑलरेडी। बायोहुमस और यूटेरा सॉइल एलिक्सिर का उत्पादन करने के लिए यूटेरा मिडल ईस्ट एग्रो इंडस्ट्रीज बनाई गई है। फिलहाल एक बायोस्फीयर ग्रीन हाउस कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, सस्टेनेबल बायोस्फीयर क्लस्टर, जिसमें शामिल है मुख्य भवन मतलब प्लांट, ग्रीन हाउस क्लस्टर, लेबोरेटरी और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने बताया कि एक ग्रीन हाउस का होना जरूरी है, कोई आए तो एक टच फील कर सके, उसकी खुशबू सूंघ सके, और उसे सही ऑर्गेनिक है नेचुरल है नहीं है, सारी चीजें एक होती है, कस्टमर की डिमांड होती है, तो उसी तरीके से वो पूरा करने के लिए हम लोग ये ग्रीन हाउस वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ऑलरेडी बना रहे हैं। यहाँ निर्माण रास अल खैमा इकोनॉमिक जोन राकेश, जिसको कहते हैं, संयुक्त तो अरब अमीरात में नामित है। मतलब ये निर्माण जो है, जो अभी मैंने बता रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये राकेश में मौजूद है। राकेश सबसे बड़े इकोनॉमिक जोन में से एक है। 770 राकेश का फुल फॉर्म ये है कि रास अल खैमा इकोनॉमिक जोन। 770 लीडिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां यहाँ पे मौजूद हैं, 100 से भी ज्यादा देश इसमें शामिल हैं, 50 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाने की इंडस्ट्रीज ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। यूटेरा उत्पादन स्थापना के लाभ। प्रोजेक्ट को अप्लाई करते समय लागत प्रभावी सॉल्यूशन का उपयोग करने का अवसर। उसके बाद कंफर्टेबल टैक्सेशन, प्रमुख लॉजिस्टिक हब से निकटता। ये जो अभी भी मैंने चीजें बताई, ये इसमें ना अगर आप कोई किसी भी तरीके का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना हो, बनाना हो, वो सारी चीजें आप मार्केटिंग रिसर्च करके बना तो लोगे, लेकिन जब उसको मार्केट में उसकी जब डिमांड आती है तो उसको सप्लाई करने में जो दिक्कत आती है, वो आती है सबसे ज्यादा रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसीलिए हम लोगों ने लॉजिस्टिक्स को बहुत ही करीब रखा है। और ये जैसे कि मैंने बताया कि रास अल खैमा इकोनॉमिक जोन जो है एक बहुत ही अच्छी जानी मानी जगह है, वहां पे भी उसमें भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक लॉजिस्टिक्स को डिमांड एंड सप्लाई के लिए तैयार किया गया है। निर्माण के तीन अलग अलग स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्टेज में हम क्या क्या निर्माण करेंगे, प्रिपरेटरी कार्य करना और प्रोसेसिंग लगाना, सॉरी फेंसिंग लगाना, और ऑग्लिजरी बिल्डिंग्स और एक लेबोरेटरी का निर्माण करना। फर्स्ट स्टेज में ये तीन अलग अलग चीजें होंगी। दूसरे स्टेज में एक्सेस सड़कों का संगठन, जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी एक्सेस हमें जहां से भी मिल सकता है, बहुत ही जल्दी डिमांड और सप्लाई को पूरा करने के लिए रोड्स को बहुत ही क्लोज कनेक्टेड रखना, और कर्मचारियों के लिए डॉर्मिटरी का निर्माण, जैसे कि कर्मचारियों को होता है उनको फ्रेश होना, कभी रात भर काम करना पड़े, खाना पीना, उठना बैठना, बहुत सारी जो रोजाना जिंदगी में जो मरहले पैदा होते हैं उसके लिए एक डॉर्मिटरी पैदा करना, और मुख्य बिल्डिंग का एक डिजाइन और निर्माण। ये चार पांच चीजें दूसरे स्टेज में होंगी। तीसरे स्टेज में एक इंडोर ग्रीन हाउस का डिजाइन और निर्माण, उत्पादों के इफेक्टिवनेस प्रदर्शित करने के लिए एक खुली हवा वाले क्षेत्र का आवंटन। जैसे कि मैंने बताया कि तीसरे स्टेज में जो है ग्रीन हाउस बनाना, साथ ही साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तरीके से बनाना ताकि अगर वहाँ पे कस्टमर्स जब आते हैं तो उनको एक टच एंड फील करने का मौका चाहिए, ताकि उनको लगे कि ये प्रोडक्ट असली है और ये सिर्फ बातों में या फिर पिक्चरों में मौजूद नहीं, असल जिंदगी में मौजूद है, ये समझने के लिए। प्रोजेक्ट के मूल सिद्धांत क्या क्या है, हमारे जो वैल्यूज है वो क्या है, मूल सिद्धांत जो है, सबसे पहला जो है हर स्टेज में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करना, नेचुरल ऑर्गेनिक फूड उत्पादों का उत्पादन, सभी प्रकार के कच्चे माल और कंपोनेंट्स का वेस्ट फ्री यूज उपयोग, और अर्जित अनुभव और वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर प्रैक्टिकल अप्रोच का अनुप्रयोग। यूटेरा प्रोजेक्ट के बारे में दुनिया सॉरी बुनियादी इंफॉर्मेशन। यूटेरा प्रोजेक्ट के बारे में बुनियादी इंफॉर्मेशन, हमें ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या क्या बुनियादी चीजें चाहिए उसके बारे में आप मैं डिस्कस कर रहा हूँ। $20 मिलियन की हमें जरूरत है, धन जुटाने की जरूरत है। इसमें तीन राउंड है, यहाँ भी हाल फिलहाल में ये दूसरा राउंड चल रहा है फाइनेंसिंग के लिए, तीन राउंड में से दूसरा राउंड चल रहा है, और 2025 निर्माण पूर्ण होने की तिथि।
तिथि मतलब वो तिथि नहीं कि किसी के इंतकाल के बाद जो करते हैं वो नहीं, तिथि मतलब 2025 में इसको कंप्लीट करने का प्लान है, और 3 से 5 वर्ष निवेश की पे बैक पीरियड सर, 3 से 5 साल के अंदर अंदर जितना भी आपने इन्वेस्ट किया होगा वो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 17.5% से लेकर 46.8% तक आपको निवेशकों के लिए ये पोटेंशियल वार्षिक रिटर्न, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है साल में 17.5% से लेकर 46.8% तक आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है साल में। 2024 और 25 में क्या क्या है, निवेशकों को मुनाफा देने की शुरुआत 2024 या फिर 25, ये 24 का मुझे डेट वेट वगैरह का नहीं पता, शायद हो सकता है 25 में रिलीज करें, तो 2024 और 25 के दरमियान में जो है आपका मुनाफा जो है प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। निवेश का अवसर, आपके पास एक बहुत ही अनोखा और सुनहरा अवसर है, वो किस तरीके का होगा मैं आपको बताता हूँ। आप यूटेरा उत्पादों के उत्पादन में निवेश कर सकते हैं और कंपनी के नेट प्रॉफिट का 55% तक प्राप्त कर सकते हैं निवेश के दूसरे राउंड की शर्तों के अनुसार। अभी जैसे कि मैंने कहा कि दूसरा राउंड चल रहा है, तो उसकी शर्तों के अनुसार टर्म TNC के अनुसार आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से आपको ये प्रॉफिट भी मिलेगा। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो है पैकेज लागत क्या क्या है, और उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन निवेशकों को कितना परसेंट मिलेगा, कंपनियां SWC और यूज कवरी का परसेंटेज क्या क्या होगा, और निवेशक का एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना हो सकता है डॉलर्स में, और निवेशक का एक्सपेक्टेड वार्षिक रिटर्न परसेंटेज में कितना हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी जो है सेकेंड राउंड चल रहा है, तो सेकेंड राउंड में आपको एक छोटा सा लोएस्ट पैकेज मैं आपको बताता हूँ जो मैंने भी ले रखा है। अगर आप $1,000 अप्रोक्सीमेटली हिंदुस्तानी 1 लाख रुपए अगर आप इसमें निवेश करते हैं, तो आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो जो होगा निवेशकों को 28% तक आपको मिलेगा, और ये आपका वन टाइम पेमेंट किया है या फिर इंस्टॉलमेंट आपने किया है ये उसके ऊपर डिपेंड होगा। अगर आपने इंस्टॉलमेंट में किया है तो आपको 26% मिलेगा, अगर आपने वन टाइम पेमेंट किया है तो आपको 28% आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यूज कवरी और SWC जो है 72% का प्रॉफिट लेंगे, जो भी ओवरऑल प्रॉफिट होगा उसमें से 72% वो लेंगे और 28% आपको मिलेगा। और अगर मैं डॉलर्स के बारे में बात करूँ तो $218 तक आप कमा सकते हैं, या फिर अगर मैं परसेंटेज के बारे में निवेशक का जो है एक्सपेक्टेड वार्षिक रिटर्न परसेंटेज में क्या है, 21.8% मतलब 21.8% तक आप हर साल आना इसका प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो ये रफली कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूँ, रफली कहने का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको डीप कैलकुलेशन चाहिए तो पूरा वेबिनार देखें, या फिर आपने हमारे SWC पे जाके यूटर्रा में निवेश करके वहां से आपको पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन आपको डीप एनालिसिस मिल जाएगा। और निवेश की शर्तें क्या क्या है, इसमें इन्वेस्ट करने की कंडीशंस क्या क्या है, निवेश 5 साल के लिए वन टाइम पेमेंट या 10 महीने से अधिक इंस्टॉलमेंट में प्रदान किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि वन टाइम पेमेंट या फिर इसको 10 मंथ इंस्टॉलमेंट में आपको पे करने के ऑप्शन दिए गए हैं। निधियों के उपयोग के लिए 0.1% प्रति वर्ष की फिक्स्ड रेट, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले मैं अपना एक पर्सनल आपको ओपिनियन रखना चाहता हूँ। देखिए इसमें सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे हालांकि पता नहीं थे, बाद में पता चला ये वाले प्रोजेक्ट में स्पेशली कई सारे मुस्लिम्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, कई सारे लोगों ने भी एक लॉन्ग टर्म सोचकर इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी क्या कह रही है उसके बदले में 0.1% आपको हर साल एक रिटर्न सॉरी इंटरेस्ट रेट दे रही है। तो मैं तो कहता हूँ बीइंग अ मुस्लिम हम कई बार क्या करते हैं, सूद लेना और देना हराम है, तो इसी वजह से क्या करते हैं जो सूद का पैसा आता है बैंक में भी जब हम पैसा कुछ मालो दौलत रखते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट आता है हम उठा के सदमा कर देते हैं, उसका ना ही सवाब है ना ही उसको गुना मिलता है। तो इसी तरीके से इसमें भी जो आपको आएगा कैलकुलेट करके रखिए, जो इंटरेस्ट आता है वो उठा के आप किसी गरीबों में सदमा कर सकते हैं, और बाकी जो लोग इंटरेस्ट खाना पसंद करते हैं वो उनका अपना पर्सनल मामला है। और उसके बाद 5 वर्षों के बाद निवेशक प्रोजेक्ट छोड़ सकता है और धन के उपयोग पर अपना निवेश और ब्याज वापस ले सकता है। ये 5 साल तक आपको एक हिसाब से एक तरीके का लॉक इन पीरियड है, 5 साल के बाद चाहो तो आप प्रोजेक्ट छोड़ सकते हो एक टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, और अपने अपना जो आपने निवेश इन्वेस्ट किया था वो पैसा भी वापस ले, उसके साथ ब्याज भी आप वापस ले सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि बीइंग ए मुस्लिम आप इसको सदके के तौर पर निकाल के गरीबों में बांट सकते हैं। निवेशक के पास जीवन भर ये प्रॉफिट के पेमेंट का अधिकार है, साथ ही निवेशित
राशि के उपयोग के लिए ब्याज भी है, ये फिर से ब्याज की बात हो रही है। और उसके बाद निवेशक को किए गए निवेश की राशि के अनुसार अनुपात में चुने गए टैरिफ के अनुसार प्रॉफिट प्राप्त होगा। जैसे कि मैंने बताया कि आपने कौन सा टैरिफ लिया है, वन टाइम पेमेंट लिया है या फिर 10 मंथ इंस्टॉलमेंट का फेयर ऑप्शन लिया है, ये उसके ऊपर डिपेंड होगा। प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से परसेंटेज या फिर डॉलर्स में आपको दिया जाएगा। जब तक निवेशक प्रोजेक्ट छोड़कर अपना निवेश वापस नहीं ले लेता, तब तक उसके सभी अधिकार उसके उत्तराधिकारियों के पास चले जाते हैं। जब तक आप प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहेंगे, आपके जितने भी राइट्स, कंपनी के जो भी राइट्स हैं, वो सारे यहाँ के हाई कमांड या फिर हाई डिपार्टमेंट में रहेंगे। जैसे आप प्रोजेक्ट के बाहर आ जाएंगे, वो सारे कमांड्स आपके पास आपको वापस आ जाएंगे। निवेश की शर्तें, यहाँ से फिर से इन्वेस्टमेंट की जो कंडीशन है उसके बारे में बात हो रही है। प्रत्येक निवेशक के साथ विस्तृत निवेश शर्तों वाला एक अग्रीमेंट का कंक्लूजन किया जाता है। यहाँ पे जो है यूएसटी की तरह ही आपके पास इसमें भी यूटरा में भी एक अग्रीमेंट दिया जाएगा। जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह पूरा हो जाता है तो आपको एक अग्रीमेंट दिया जाएगा। वो अग्रीमेंट आपको संभाल के रखना है, कहीं फाइलिंग वगैरह करके रख सकते हैं ताकि आपको हर साल प्रॉफिट मिले। और कभी कुछ दिक्कत आ जाए तो कम से कम आपके पास प्रूफ रहेगा कि हाँ, मैंने कंपनी में इतना इन्वेस्ट किया है, मुझे इतना प्रॉफिट आना था हर सालाना इतना। बैंक ट्रांजेक्शन के साथ साथ पेमेंट सिस्टम का उपयोग करके सुविधाजनक तरीके से निवेश किया जा सकता है। यहाँ पे बैंक ट्रांजेक्शन के अलावा आप क्रिप्टो या फिर वीजा, मास्टर, डाइनर्स क्लब, ये सारी चीजें इस्तेमाल करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बाजार क्या ऑफर करता है उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं कि बाजार के कौन से प्रोडक्ट पे या फिर कौन से प्रोजेक्ट पे कितना ऑफर करते हैं, उसके मुकाबले में हम कितना ऑफर कर पा रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन जो है बैंक डिपॉजिट। बैंक पे जगह आप जब आप पैसा मालो तो कुछ भी रखते हैं तो आपको बैंक वाले कम से कम 8 से लेकर 9% वार्षिक आपको ब्याज देते हैं। और ये पोर्शंस पोर्शंस जो है 10 से 12% प्रतिवर्ष आपको प्रॉफिट दिया जाता है। यहाँ पे ये ब्याज नहीं है, एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट का, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है। ये पोर्शंस उसे कहते हैं। जैसे अगर अगर आप एसडब्ल्यूसी बैक ऑफिस में अगर आप पार्टनर हैं तो आपको पता होगा पोर्शंस किसे कहते हैं, या फिर नहीं है तो आप आज ही रजिस्टर कर ये सुनहरा और अनोखे मौके का फायदा उठाकर पोर्शंस के बारे में भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे 10 से 12% आपको प्रतिवर्ष इसमें लाभ मिलेगा। बॉन्ड्स, जैसे कि बैंकिंग में आता है, वैसे तो मैं बैंकिंग से रिलेटेड नहीं हूँ, रिटेल से हूँ, फिर भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। बॉन्ड्स के बारे में आपको हर साल में 6 से लेकर 8% तक प्रतिवर्ष आपको इसमें शायद मुनाफा या फिर ब्याज में, तो मुझे नहीं पता। मुद्रा, ये जो है गोल्ड वगैरह, ये 0.2 से लेकर 0.4% तक आपको प्रतिवर्ष आपको प्रॉफिट दे सकता है। गोल्ड एक हिसाब, सॉरी, मुद्रा ये जो है करेंसी, करेंसी गोल्ड नहीं है, मुद्रा ये जो है। करेंसी में भी आपको ये होता है शायद एक्सचेंज की वजह से आपका लेना देना, लेन देन करने की वजह से इसमें प्रॉफिट होता होगा। गोल्ड, सोना 8 से 10% आपको प्रतिवर्ष आपको लाभ दिला सकता है। गोल्ड एक ऐसी चीज है, इसकी कीमत कभी गिरती नहीं है, हमेशा बढ़ती रहती है। और सिल्वर, चांदी जो है ये 15 से लेकर 17% आपको हर वर्ष इतना आपको लाभ दिला सकते हैं। ये भी गोल्ड और सिल्वर सेम उसी चीज में आते हैं, कभी इनकी कीमत घटती नहीं, बढ़ती रहती है। और रियल एस्टेट में तो आप पूछे मत, पैसा अंधाधुन होता है। 15 से लेकर 20% तक आपको इसका प्रतिवर्ष आप लाभ उठा सकते हैं। और ये सबलीज वो होता है, एक हिसाब से आपने किसी कहीं भी तरीके से आपने जमीन वगैरह खरीदी है या फिर कोलाबोरेशन में आपने काम करवाए, उसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वहां पे आपको 18 से लेकर 20% तक आपको वार्षिक लाभ मिल सकता है। और ये क्राउड लेंडिंग में क्या होता है, 15 से लेकर 20% तक आप हर वर्ष यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक हिसाब से आपके कंपनी को या फिर कंपनी के प्रोडक्ट या फिर कंपनी के प्रोजेक्ट या फिर कंपनी को ही बनाने में जो आप वहाँ पे कर्जा देते हो, उसके लिए आपको जो प्रॉफिट, सॉरी, जो रिटर्न मिलता है उस तरीके का है। तो यूटेरा क्या ऑफर करता है इसके बारे में जान लेते हैं। यूटेरा जो है 46.8% तक आपको सालाना मुनाफा दे सकता है, निवेशकों को एक्सपेक्टेड रिटर्न दे सकता है। ये जो है ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट है। ये फोरकास्ट इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च किया है, पढ़ा है कि हम मुनाफा कितना दे सकते हैं निवेशकों को,
कंपनी कितना मुनाफा बना सकती है, ये सारी चीजें स्टडी करके आप लोगों के सामने ये डेटा रिवील किया गया है। आप वास्तविक उत्पादन में निवेश कर रहे हैं, ये जो है एक टैंजिबल एसेट है, इंटैंजिबल एसेट नहीं है, टैंजिबल एसेट है, जैसे कि मैंने कि टच एंड फील कर सकते हैं, तो उसमें आप निवेश कर रहे हैं। एक तरीके से बहुत ही अनोखा और सुनहरा मौका है। इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, ये कॉम्पिटेटिव और हाई क्वालिटी वाले उत्पादक के साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ अध्ययन किया गया बिक्री बाजार है। हमने मार्केट को बहुत ही ज्यादा स्टडी किया है ताकि हमें किसी भी तरीके के धोखे का सामना ना करना पड़े। और उसके बाद दीर्घकालिक स्केलिंग पोटेंशियल, बहुत ही लंबे समय तक इसको हम खींच सकते हैं प्रोडक्ट को मार्केट में, इतनी जल्दी खत्म होगा नहीं, नहीं खत्म होगा। आप पैसिव इनकम अर्जित करने के लिए एक टूल खरीद रहे हैं, जैसे कि हम एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए हम एक नॉर्मल किसी भी एक प्रोजेक्ट में नहीं डाल रहे, एक बहुत ही लंबे समय तक चलने वाले एक तरीके का टूल को हम खरीद रहे हैं, जिसको हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपग्रेड भी कर सकते हैं। पेटेंट की आवृत्ति, ये प्रति तिमाह एक बार, सॉरी नहीं, पेटेंट नहीं, पेमेंट की आवृत्ति प्रति तिमाह एक बार। यहाँ पे पेमेंट की आवृत्ति जो है डिविडेंड कहा गया है, बेसिकली हर 3 महीने में एक बार आपको डिविडेंड दिया देने का हम लोगों ने प्लान किया है, तो हर तिमाह में एक बार। ऐसा नहीं है कि आप आज से लेकर 3 महीने कैलकुलेट करके फिर बाद में मुझे मत बोलना कि 3 महीने आपने बोला था करके, नहीं, गौर से सुनिए। पेमेंट की आवृत्ति जो है प्रति तिमाह एक बार, 3 महीने में एक बार, मतलब क्वार्टरली वंस। महीने में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने गुजरने के बाद चौथा महीना जब तारीख शुरू होती है वहां पे पहले 3 महीने का क्वार्टर खत्म हो जाता है, उसको फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं, या फिर फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे साल में 4 क्वार्टर होते हैं। प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स्ड है और घटता नहीं है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे इस प्रोजेक्ट में दिखा। ट्यूटर मिडल ईस्ट एग्रो इंडस्ट्रीज के नेट प्रॉफिट का आप नेट प्रॉफिट का आपको प्रतिशत ये जो है एग्रीमेंट में फिक्स्ड है और अपरिवर्तित रहता है, और प्रॉफिट प्राप्ति की पूरी अवधि के दौरान घटता नहीं है। मैं आपको इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करके बताऊंगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है एक कंपनी में, क्या होता है अगर आपने इन्वेस्ट किया है या फिर प्रोडक्ट में, प्रोजेक्ट में, या फिर किसी कंपनी को भी बनाने में निवेश किया, तो क्या करता है एक सर्टन पीरियड के टाइम पे क्या होता है प्रॉफिट या तो थोड़ा बढ़ता है या फिर उसके हिसाब से घट जाता है अगर कंपनी घाटे में भी जा रही है किसी भी वजह से। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास जो अग्रीमेंट दिया हुआ है उसमें दिख रहा है कि कंपनी चाहे कुछ भी हो जाए आपको प्रॉफिट नहीं घटेगा, जो इतना आपको प्रॉमिस किया गया उतना स्टैंडर्ड आपको प्रॉफिट मिलेगा। और अगर प्रोडक्ट की बिक्री अच्छी हो गई, उसका प्राइस मार्केट में बढ़ गया, उसकी डिमांड अच्छी रही, तो जैसे जैसे प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती रहेगी उसी तरीके से आपको प्रॉफिट भी आपको बढ़ता रहेगा, घटेगा नहीं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। हम लागत कम करके प्रॉफिट बढ़ाते हैं, खर्चा मतलब लागत मतलब खर्चा कम करके हम प्रॉफिट बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। उत्पादन को ऑप्टिमाइजिंग करके सॉरी करने से हम अपने निवेशकों को अधिक रिटर्न दिला सकेंगे। इसको ऑप्टिमाइज करके प्रोडक्ट को सॉरी प्रोडक्शन को उसमें भी जितना हो सकता है प्रॉफिट हम जनरेट करके हम आपको दे सकते हैं। यदि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाती है या 1 लीटर यूटेरा सॉइल एलिक्सिर की बिक्री मूल्य बढ़ जाती है तो आपका पर्सनल मौद्रिक लाभ बढ़ सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि खर्चा कम करके प्रोडक्शन में तेजी ला के और साथ ही साथ 1 लीटर यूटेरा सॉइल एलिक्सिर अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो उसके बाद भी जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो भी आपके प्रॉफिट में ऐड होगा, मतलब आपकी प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी, घटेगी नहीं। अधिकतम लॉन्ग टर्म निवेशक, ये जो है बहुत ही लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं कह सकता हूँ। उत्पादन में सेवा जीवन पर कोई प्रतिबंध ही नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, और ये प्लांट इक्विपमेंट अपग्रेड प्रदान करता है। ये जो प्लांट जो है ये इक्विपमेंट को भी अपग्रेड करने की बहुत ही ज्यादा फैसिलिटी के साथ बनाया जा रहा है। अग्रीमेंट को बढ़ाने की संभावना के साथ भूमि 50 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई है। अग्रीमेंट को हम चाहे तो 50 साल के बाद और थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, अनदर 50 ईयर्स। तो सोचिए 50 साल एक बहुत बड़ा लंबा समय है दोस्तों। इसमें अगर आपने आज अगर आपने इस अनोखा और सुनहरे मौके का फायदा नहीं उठाया तो आपके साथ साथ आपके आने वाली पीढ़ियों को भी एक पछतावा रह जाएगा, बस इतना कह सकता हूँ। यह स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट निर्माण के चरण 15 के अंत से पहले यूटेरा परियोजना क्यों लॉन्च की गई है? यूएससी जितने भी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है या फिर जितने भी लोग ईगरली डिविडेंड्स के लिए वेट कर रहे हैं उनको पता है कि
15th स्टेज कंप्लीट होने से पहले यूटेरा प्रोजेक्ट को क्यों लॉन्च किया गया, आप ये थोड़ा डिटेल आराम से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इन डेप्थ और डिटेल में है। मैंने यहाँ पे लिंक वगैरह भी दे रखी है, शायद आप लिंक को भी थोड़ा सा आपको टाइप करना पड़ेगा, मिल जाएगा आपको। यह यूटेरा प्रोजेक्ट फंडिंग ट्रैकिंग फंक्शन आपके व्यक्तिगत खाते में उपलब्ध है। अगर आप यूटेरा के फंडिंग की ट्रैकिंग रखना चाहते हैं कि किस स्टेज तक पहुंचा है, कितनी फंडिंग की जरूरत है, कितना हम लोगों ने अब तक जनरेट किया है, क्या क्या तरीके के पैकेजेस हैं, कितना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा वगैरह वगैरह, यहाँ पे देखिए एक छोटा स्क्रीनशॉट मैंने ऐड किया है। अब तक 54% हम लोगों ने सेकेंड राउंड में फंडिंग इकट्ठी कर ली है, सॉरी ओवरऑल अब तक हम लोगों ने 54% का फंडिंग हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है, और अभी फिलहाल दो सेकेंड राउंड चल रहा है, इसमें दूसरा राउंड चल रहा है। ये इसमें भी आप बहुत थोड़ी डिटेल या फिर इन डिटेल जानकारी आप बैक ऑफिस में आपने हासिल कर सकते हैं। और ये SBC 23 बायोस्फीयर ग्लास हाउस कॉम्प्लेक्स के लिए बाड़ लगाने की संरचना 3 सप्ताह में रास अल खैमा में आ जाएगी। ये जो है ये थोड़ा सा जो मैं आपको अभी अपडेट दे रहा हूँ, अभी आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये 1-2 महीने पहले की न्यूज़ आ गई थी, बीच में कुछ यूटर का ठीक से अपडेट नहीं दे पाया था, तो इसी वजह से थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था। तो आप इसके बारे में जान सकते हैं कि वहाँ पे फेंसिंग वगैरह आ गई है, लग चुकी है, या फिर वहाँ पे किस तरीके का काम करा है, बहुत सारा डिटेल वहाँ पे मौजूद है। सिस्टम स्लो हो गया मेरा। और ये है प्रीमियर सदस्यों के लिए निवेश यूटेरा फंडिंग राउंड उपलब्ध है। ये जितने भी SWC के प्रीमियम क्लब के मेंबर्स हैं उनके लिए स्पेशल एक विंडो खुला है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव यूटेरा फंडिंग राउंड इज अवेलेबल फॉर प्रीमियम मेंबर्स। तो ये जो है एक्सक्लूसिव यूटेरा का जो है फंडिंग राउंड जो है वो प्रीमियम क्लब के लोगों के लिए, सदस्यों के लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं अगर आप प्रीमियम क्लब के मेंबर हैं, सदस्य हैं। एक साथ दो परियोजनाओं में भाग लेना क्यों फायदेमंद है, यूटेरा और यूएसटी। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यूएसटी बहुत ही फाइनल स्टेज पर है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, तो हमें किसी ना किसी एक और प्रोजेक्ट की जरूरत है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हमें मेरे साथ साथ मेरे आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छा सा फ्यूचर सिक्योर कर पाऊँ, इसी वजह से मैंने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है अच्छा खासा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करें, आपके साथ साथ आपके आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छी खासी जिंदगी जीने का मौका दें। यूटेरा परियोजनाओं के इतिहास और लाभों के बारे में फिल्म, यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो दिया गया, बहुत अच्छा वीडियो है, मेरे ख्याल से 1-30 मिनट्स का वीडियो है, बहुत ही इन डेप्थ डिटेल के साथ ये वीडियो बनाया गया, आप जरूर देखिए और जानिए इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र विश्व की 40% भूमि समाप्त हो गई है, ये संयुक्त राष्ट्र यूएई के बारे में बात हो रही है, सॉरी यूएई की नहीं, यूएन की बात हो रही है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। तो विश्व की 40% भूमि समाप्त हो गई है, एक हिसाब से बहुत ही ज्यादा तरीके से डिप्लीट हो गई, या फिर बंजर होने की कगार पे है, या फिर हो गई, या आप ये कह सकते हो। सामान्य ठेकेदार ने यूटेरा परियोजना पर पहला निर्माण कार्य शुरू किया गया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है, जहां पे यूटेरा के हम लोगों ने जमीन ले रखी है वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छे डिटेल में आर्टिकल है, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, और साथ ही साथ बहुत ही जल्दी काम इसमें स्टार्ट, एक हिसाब से देखो तो काम बहुत ही तेजी से हो रहा है, तो आप इसके बारे में पढ़ के जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये फीडबैक मेरे बारे में है और कंपनी के प्रेजेंटेशन के बारे में है, प्रोजेक्ट के बारे में, बहुत सारी चीजें से जुड़ी हुई हैं। क्या आपको मेरा प्रोजेक्ट सॉरी प्रेजेंटेशन समझ में आया, प्रोजेक्ट समझ में आया, प्रोजेक्ट किस बारे में है, किस प्रोडक्ट के बारे में है, कौन सी कंपनी बना रही है, इसके पीछे कौन मौजूद है, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आई हैं तो आप इसके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, एक QR कोड अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, और साथ ही साथ मेरी शक्ल आप लोगों को पसंद है नहीं है, क्या मैं अपनी शक्ल बदल लूं, ये सारी चीजें भी चाहो तो आप लिख के डाल सकते हैं, एनीवेज मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, तो आप ये सारी चीजें भी डाल के उसमें डाल सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो, और उसके बाद आपको एक यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए स्कैन करें जो आपको विशेष एक्सेस प्रदान करता है, आपको एक एक्सक्लूसिव एक्सेस की तरफ लेके जाएगा,
चाहो तो आप इसको स्कैन करके, अगर आप तो जब भी आपको टाइम मिलेगा, वीडियो आपने एक शॉट में देख लिया, या फिर थोड़ा सा धीरे पार्ट बाय पार्ट करके अगर आपने वीडियो देखा, तो लास्ट अगर आप यहाँ पे एंड तक पहुंच रहे हैं, तो इसको स्कैन करके आप ये फॉर्म भर के आप एक एक्सक्लूसिव एक्सेस के साथ साथ एक स्पेशल गिफ्ट भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो गिफ्ट आपको सिर्फ एक बार ही मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कुछ और ज्यादा डिटेल जानकारी हासिल करनी है, डिटेल हासिल करनी है, या फिर इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, यूटेरा के बारे में, यूएसटी के बारे में, तो आप यहाँ पे दिए गए हुए इंटरनेशनल नंबर पे कॉल करके सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप कॉल करके डिटेल हासिल कर सकते हैं, या फिर info@uterra-swc.com पर आप मेल वगैरह लिख के भी इसमें अपने सारे सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया के जरिए से रिकॉन्टेक्ट एक सोशल मीडिया ऐप है रशिया का है, या फिर इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन करके हमारे साथ आप सारी की सारी अपडेट और जानकारियां हासिल कर सकते हैं। स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी, वी क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंस इट। स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी एक छोटा सा हमारा स्लोगन है, वी क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंस इट। हम भविष्य को बनाते हैं, उसे आर्थिक सुरक्षा देने की कोशिश करते हैं। हम मतलब हम इंसान इंसान की नहीं, ऊपर वाला बनाते हैं सभी की किस्मत। हम तो सिर्फ एक जरिया है आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, और आर्थिक सुरक्षा से आपको सुरक्षा देने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। इन्वेस्ट इन हाई डिमांड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी विद हाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। एक इको फ्रेंडली प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी में आप भरपूर हिस्सा लें, इसका सहयोग दें, आप अपना योगदान भी दे सकते हैं, और ताकि आप अच्छा खासा मुनाफा भी इसमें कमा सकते हैं। ये है मेरी क्यूरेटर, इंडिया की रेस्पॉन्सिबल टॉप एक्सपर्ट मिस कैट जेकब्स, और मैं एक स्पीकर और लीडर की हैसियत से 2.5-3 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। और पहले तो मैं यूएसए प्रमोट करता था, अभी यूटर्रा को प्रमोट कर रहा हूँ, और मैं अपने अपना प्यारा सा हिंदुस्तान, भारत और इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपकी, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपकी और कोई जानकारी हासिल करना है, तो india@skyway.capital पे आप मेल भेज के सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल नंबर पे, अंतर्राष्ट्रीय नंबर है यहाँ पे, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया SWC India हमारा एक फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी ज्वाइन करके आप लेटेस्ट और अपटूडेट सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।